हमारे चैनल टेंपल जर्नीज में आपका स्वागत है। हम ज्यूरिख ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़े हैं और आज हम ज्यूरिख में इस्कॉन के कृष्ण मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं। ट्रैम नंबर 5 और 6 तथा ट्रैम नंबर 3 आपको इस मंदिर के पास तक ले जाते हैं। 5 और 6 का रास्ता कम दूरी वाला है और 3 का रास्ता थोड़ा लंबा दूरी वाला है, पर तीनों ही ट्रैम्स आपको इस मंदिर के करीब ले जाएंगी। आप टैक्सी से भी यहाँ जा सकते हैं और आपको सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आज हम ट्रैम का रास्ता अपनाने वाले हैं। अब हम ट्रैम स्टेशन की ओर चल रहे हैं। जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे तो हमने देखा कि ट्रैम नंबर 3 स्टॉप पर आ गई है, तो अब हम इसी से मंदिर तक जाएंगे। अब हम ट्रैम के अंदर हैं। अब हम रोमरहॉफ स्टॉप पर पहुंचे हैं और यहां उतर के हम मंदिर की तरफ चलेंगे। यहां पर रास्तों को स्त्रासे कहा जाता है। जहां हम उतरे थे वहां से रास्ता पार करके हम रति स्त्रासे पे आए हैं और यहां से हम बर्ज स्त्रासे की तरफ चलेंगे जहां पर यह मंदिर स्थित है। अब हम बर्ज त्रासे की तरफ मुड़ रहे हैं जहां से होकर हम मंदिर पहुंचेंगे। अब हम मंदिर पहुंच गए हैं। आप मंदिर की इमारत और उसके इर्द गिर्द का परिसर देख सकते हैं। अब यहां से हम मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ चलेंगे। आप मंदिर का मुख्य द्वार देख सकते हैं। थोड़ा और करीब चलते हैं। मंदिर के द्वार के कमान पर अंग्रेजी में हरे कृष्णा मंदिर ऐसा लिखा हुआ है। मंदिर का पता है 54 बर्ग स्ट्रासे, जहां पे इस्कॉन का यह हरे कृष्णा मंदिर स्थित है। अब हम इस मुख्य द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम मंदिर के स्वागत कक्ष में खड़े हैं जहाँ पर किताबें तथा मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएं हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अब हम मंदिर के कक्ष में हैं और यहाँ पर आरती चल रही है, तो हम जहाँ तक हो सके मौन रहेंगे, पर आपको मंदिर अंदर से दिखाते रहेंगे। सामने मूर्तियाँ हैं। शिला प्रभुपाद
मंदिर अंदर से बहुत सुंदर है। आरती के बाद हमने प्रभु के दर्शन करे, प्रसाद ग्रहण किया और अब हम मंदिर के बाहर खड़े हैं। लौटने से पहले इस मंदिर की इमारत पर दोबारा से एक नज़र डालते हैं। अब हम ट्राम स्टॉप की तरफ चल पड़े हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे अन्य वीडियोस भी आपको अच्छे लग रहे हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।